हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. दिस इज़ आकाश अलमुले. वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है. तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे एम्स नॉर्सेट की. कौन सी बात करेंगे हम लोग? एम्स नॉर्सेट की बात करेंगे. अब क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे फुल डिटेल में हम लोग ये करेंगे. ओके, एम्स नॉर्सेट की बात करेंगे. ओके, जो नॉर्सेट का जो रिज़ल्ट आया उसके बारे में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस रहेगा. ओके, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल छोड़ के मत जाइए. आप ये वीडियो पूरा देखिए. आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को. ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये साल का जो नॉर्सेट का जो पेपर था, नॉर्सेट 4.0, वो थोड़ा सिनारियो बेस्ड या नर्सिंग प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आए थे. तो यहाँ पे अभी देखिए कि जिस तरीके से रिज़ल्ट आया, ओपन एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ कितना गया, 50% गए. ओके, 50%, क्योंकि ये साल एक ही सेशन में एग्ज़ाम हुआ तो उन्होंने परसेंट निकाला. ओके, उसके बाद ओबीसी का गया 45% गया और एससी का गया 40% का कट ऑफ गया. ठीक है, दिस इज़ द कट ऑफ. अब ये हम लोग क्यों यहाँ पे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ अच्छे से यहाँ पे गौर करिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ. अब देखिए, ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट है. अभी मैंने आपको कम से कम 10 मार्कशीट दिखाने वाला हूँ इस ये वीडियो में, 10. और यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे, आपने क्या क्या गलती किया, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए या कितने करने चाहिए थे, नहीं किए तो इसलिए आपको रिजल्ट कम आया. या देखो, पढ़ाई तो सभी ने अच्छे से किया. नॉर्सेट की एग्ज़ाम दे रहा तो ऐसा फालतू में कोई जाके एग्ज़ाम नहीं देगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम देगा. लेकिन उसके एग्ज़ाम, पढ़ाई सब होने के बाद भी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी ये बहुत बड़ी स्किल है. अब ये बंदा है, ठीक है, दिस बंदा इज़ फ्रॉम नागपुर. ओके, ये हमारा एक यूट्यूब सब्सक्राइबर भी है, प्लस इसको कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देते रहते हैं इन बिटवीन. ओके, हमारे साथ जुड़ा है, हमारे चैनल के साथ. ओके, ठीक है, ये बंदे का भी हम इंटरव्यू लेंगे बहुत जल्दी, जिसका रैंक आप यहाँ पे देख सकते हो 88. ओके, तो अभी ऐसे ही कुछ कुछ रैंकर्स की लिस्ट में आगे बताने जाने वाला हूँ. ठीक है, देखो, इनका ये एससी से बिलोंग करते हैं, नाम मैंने यहाँ पे कट कर दिया. करेक्ट आंसर इनके देखो 200, इन्होंने देखो करेक्ट आंसर कितने हैं, 124 करेक्ट हैं. रॉन्ग कितने हैं, 42. यानी इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस 166. ओके, 166 इन्होंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन. ओके, 166 में से इनके 34 इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए. तो देखो, 166 अटेम्प्ट करने के बाद 124 इनके राइट आए, 42 रॉन्ग हो गए, तो मार्क्स इनके बने 110. अब 42 रॉन्ग हो गए तो 42 इंटू 0.33 करिए, तो अगर ये करते हो तो इतने मार्क्स आपके जो भी है वो कट हो जाएंगे. तो समझ लो 124 में से कितने कट गए, यहाँ पे एक 14 मार्क्स इनके कट गए. ठीक है, तो इनका स्कोर आया 110 मार्क्स आया इनका स्कोर. ठीक है, इनका परसेंटेज 55% आया, आप देख सकते हो. ये एससी बंदा है, जिनको चाहिए तो 40% का कट ऑफ है, तो ये रैंक इनका 88 क्वालिफाई हो गया. ठीक है, आप देखो ये हो गया. ठीक है, इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, 166 अटेम्प्ट किए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. ठीक है, अब दूसरी मार्कशीट दिखाता हूँ आपको. अब यहाँ पे देख सकते हो, और एक मार्कशीट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एएसटी कैटेगरी है इनकी. इनका रैंक देख सकते हो 296 रैंक है. ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र कोल्हापुर से ये बिलोंग करती है. ठीक है, ये भी हमारे साथ जुड़ी है, हमारे चैनल के साथ ये भी जो स्टूडेंट है वो. इसने 120 करेक्ट है, इसके रॉन्ग कितने गए, 49. तो 120 प्लस 49, तो इन्होंने सॉल्व कितने किए,
169 क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल ब्लैंक्स इन्होंने 31 छोड़ दिए। इनका स्कोर 103.66 आया, परसेंटेज 51। और ये एसटी कैटेगरी का कितना गया था, एससी एसटी का, एससी और एसटी का जो परसेंटेज था 40% पे कट ऑफ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन्होंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 169 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए। अभी दूसरा मार्कशीट हम देखेंगे। अब और एक मार्कशीट हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखो अभी ये मार्कशीट आपको दिख रही है, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, ठीक है। ये नागपुर से बिलोंग करते, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इनके 99 करेक्ट आए, ठीक है, और 57 इनके इनकरेक्ट आए। तो इन्होंने कितने सॉल्व किए हैं, 146 इन्होंने करेक्ट किए, 57 रॉन्ग आए। तो इनको अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो इनको चाहिए थे 40%, यानी आपको कम से कम 90 मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। इनका रैंक कुछ भी नहीं आया, परसेंटेज 40 आया था, 45% चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। तो बोलने की बात है, इन्होंने 156 इन्होंने शायद, हाँ 156 इन्होंने सॉल्व किए, सॉरी हाँ रॉन्ग हो गया था, ठीक है, 156 इन्होंने सॉल्व किए थे। देखो इनको और 5% चाहिए थे, इन्होंने अगर यहाँ पे और थोड़े से एक 10 से 15 एमसीक्यू अगर सॉल्व किए रहते तो 100%, मुझे ऐसे लगता है इनकी 2 साल से ये भी प्रिपेयर कर रहे, तो इनको जा सकता था। कम से कम इनके 8 से 10 एमसीक्यू राइट आ सकते थे और 6-7 हम रॉन्ग बोल सकते थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चांस बन सकता था क्वालिफाई करने का। लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। ये हमारी और एक सब्सक्राइबर है, ओबीसी कैंडिडेट है, इन्होंने 115 एमसीक्यू राइट है इनके, तो 115 प्लस 63 इनके रॉन्ग हो गए, तो कितने हो गए, 178 इन्होंने अब ये किए, 22 ब्लैंक छोड़ दिए, ओके 94 इनके मार्क्स बने, ठीक है। सो इनके 94 मार्क्स बने हैं, रैंक इतना आया है, ओके ये दिल्ली साइड से है, ठीक है, दिल्ली साइड से हैं, ठीक है। शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन एम्स, ओके, तो उनको दिल्ली चाहिए था, इन्होंने एग्ज़ाम दिया। सो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, 178। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। अब ये और एक मार्कशीट है, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ओबीसी कैंडिडेट है, इनके 94 करेक्ट आए, 51 रॉन्ग हुए। तो इन्होंने कितने, 94 प्लस 51 यानी इन्होंने छुड़ाए 146 ओनली, 145 इन्होंने सॉल्व किए, 55 इन्होंने छोड़ दिए। इनके मार्क्स 77 आए, इनका परसेंटेज ओबीसी है तो 45% चाहिए थे कम से कम। इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे और 15 से 20 एमसीक्यू सॉल्व किए रहते तो चांस बन सकता था। कहाँ पे तुम्हारी गलती हुई और क्यों, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ये एक हमारे एक स्टूडेंट है, इन्होंने 103 राइट आए इनके, लेकिन इन्होंने रॉन्ग कितने कर दिए, 79 रॉन्ग। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग ने इनका गेम कर दिया, निगेटिव मार्किंग, ओके ध्यान में रखना। सो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा के अपने निगेटिव मार्क्स कम कर सकते हो, ओके कम कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने 182 समथिंग इन्होंने एमसीक्यू सॉल्व किए, बट इनका यहाँ पे रॉन्ग हुए वो, ठीक है, वह 79 एमसीक्यू निगेटिव में चले गए। इतनी नहीं, कम से कम इनके 50 एमसीक्यू यहाँ पे अगर रॉन्ग होते तो इनका चांस बन सकता था। बट अब क्या होता है, ये भी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। इनका रैंक कुछ नहीं है, 38%, 76 इनको मार्क्स आए। अब ये भी हमारे एक स्टूडेंट है, सब्सक्राइबर है, ठीक है, इनका देख लेते हैं। तो इनको 117 मार्क्स आया, ठीक है, 117 करेक्ट है इनका, ठीक है, 117 प्लस 56, ओके यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कितने सॉल्व किए हैं, ओके इन्होंने सॉल्व किए 173 इन्होंने सॉल्व किया। अब देखो 173 सॉल्व किए,
56 इनके रॉन्ग हो गए, 27 ब्लैंक, तो 98% बना। ओके, ये ओबीसी कैंडिडेट है, रैंक 677 रैंक है इनका, ठीक है। सॉल कितने की है, 173। ओके चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया। देखो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी नर्सिंग की अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपने कम से कम, मेरा पहले से बोलना है, कम से कम 170 एमसीक्यू आपने सॉल्व करके आने को होना। क्योंकि कोई भी बंदे का, अब बहुत सारे बोलते हैं कि आप 120 सॉल्व करके आओ, 120 के 120 अगर आपके सही है तो आपका सिलेक्शन होगा। यस, इससे मैं अग्री हूँ, बट मुझे ऐसा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं लगता कि जिसको पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं भाई मेरे 120 सही है। यहाँ पे क्या होता है, 80 तो सबके राइट आ सकते हैं एमसीक्यू सबके, लेकिन जो 20 जो एमसीक्यू रहेंगे या 30 एमसीक्यू जो मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम बहुत होशियार रहा तो 100 एमसीक्यू आपके राइट रहेंगे या पकड़ लेंगे, 100% आप बोलेंगे 100 एमसीक्यू बराबर है। लेकिन जो ऊपर के 20 है, ये पूरे के पूरे आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही कमाए हुए मार्क्स है। कैलकुलेटेड रिस्क बोले तो, अगर एक एमसीक्यू है ये वाला, ओके, ऐसा ऐसा उसके 1, 2, 3, 4 ऐसे इधर ऑप्शन है, अगर भाई ये दोनों में आपको कंफर्म है कि ये दोनों इसके आंसर नहीं है, अब प्रॉब्लम इसमें दोनों में ही है, आपको दोनों में से एक को चुनना है, तो डेफिनेटली ऐसे में आपके 4 साल का नॉलेज लगा के, आपका अप्लाइड नॉलेज, वर्किंग जो भी है, 2 साल 3 साल की जो भी पढ़ाई है, 1 साल की जो पढ़ाई है, उसका दिमाग लगा के आप कैलकुलेटेड रिस्क अगर लोगे तो 100% 10 एमसीक्यू आपके, अगर एक 20 एमसीक्यू पे आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो इसमें 10 आपके एमसीक्यू राइट आने के चांसेस उतने ही बढ़ते। अगर 10 रॉन्ग हो जाते तो भी आप फायदे में रहोगे, इधर 10 मार्क्स मिल रहे हैं और यहाँ पे 0.33 इंटू 10 अगर रॉन्ग होते तो आपके 3 ही मार्क्स रॉन्ग हो रहे, आप 7 मार्क्स फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे बेटा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि हर एग्ज़ाम में कैलकुलेटेड रिस्क लो, बट कोई भी एग्ज़ाम हो तो कम से कम 150 प्लस एमसीक्यू आपने सॉल्व करने को होना। मैं 150 भी नहीं बोलूँगा, 160 प्लस। अभी हमने 10 मार्कशीट देखी जिनके भी सिलेक्शन हुए, देखो वो होशियारी थे, उनकी काफ़ी पढ़ाई थी, बट बेसिकली आप 170 एमसीक्यू सॉल्व करके आइए, 160 प्लस एमसीक्यू अगर सॉल्व करके आते हो तो आपके चांसेस उतने ही बढ़ते हैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के। क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं जो बोले कि नहीं मेरे यार, मैं 140 ही करूँगा और 140 ही मेरे राइट आएंगे। अगर आप 120 ही करके आओगे तो एग्ज़ाम का लेवल के हिसाब से, देखो ये नॉर्सेट में 120 करके आते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता था, ये जो 4.0 की नॉर्सेट हुई अभी की, इसमें अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ कितना 120 भी करके आते, ओके, 120 भी एमसीक्यू करके आते थे, नहीं ये 120 मेरे राइट है करके आते थे, तो भी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट ये एक्सेप्शनल है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज एक्सेप्शनल। अगर इसके पहले के नॉर्सेट की बात करोगे, आप इतना पकड़ के आ रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत कम रेयरेस्ट बंदे रहते हैं कि उनको 10 में से एक ही या दो ही बंदा रहता है कि उसको लगता है कि नहीं भाई मेरे 120 ही मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन वो पूरे करेक्ट रहेंगे, ठीक है। जो 8 बंदे रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं रहते, इनको कम से कम 150 करके आना पड़ेगा, ठीक है। ये साल में परसेंटेज था इसलिए आपको पता चल गया कि नहीं भाई ऐसा रहता है, परसेंटाइल रहता तो 2 या 3 शिफ्ट में होता तो परसेंटाइल आ जाता था, परसेंटाइल में आपको पता नहीं चलता था, ठीक है। बट इसमें आपको पता चल गया कि भाई कोई भी एग्ज़ाम रहे, कम से कम अगर 200 मार्क्स की एमसीक्यू की अगर एग्ज़ाम है तो आपने 160 प्लस सॉल्व करके आने को होना। मैंने देखो 10 आपको रिजल्ट दिखाए, 10 में से एक ही बंदा था जिसने 182 सॉल्व किए, बट इसका प्रॉब्लम हो गया, उसने 79 एमसीक्यू आपके इसके निगेटिव कर दिया, ठीक है, ये बंदे का यही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो ये बंदे ने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, इसने मुझे लगता है कि अंधे टोले मार दिए ये बंदे ने। तो ऐसा नहीं होता है, जो 160 170 या 165 करके आता है ना, बेसिकली ये जो बंदे रहते हैं ना, ये बंदों को मैं बोलूँगा ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू पे। क्योंकि अगर 160 भी करते हो आप पकड़ लो तो 120 अगर समझ लो 120 भी आपके राइट है तो 40 में आप नहीं समझ लो एक 110 भी राइट है, ओके, 40 में भी
50 में भी आप कैलकुलेटेड रिस्क ले लेते थे, तो 50 में से अगर आपके समझ लो, ठीक है, 50 में से आपके समझ लो 20 भी राइट आ गए और 30 भी रॉन्ग हो गए तो भी आप फायदे में रहोगे। देखो कैलकुलेट करो, ओके, क्योंकि इसमें कितने 0.33 रॉन्ग हो गए तो कितने रहेंगे आपके, आपके 10 ही मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है, आपके 10, 20 में से 20 राइट आ गए, 10 कर दो, 10 आप फायदे में रहोगे ना बेटा। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को और लोग बार बार ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आप स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा, अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 100 मार्क्स का अगर MCQ है, तो भाई कम से कम आपने 85 MCQ सॉल्व करने को होना, 85 to 90 सॉल्व करने को होना। अगर 200 मार्क्स की है तो इसमें कम से कम 160 to 170 MCQ आपने सॉल्व करके आने को होना। तो क्या होता है, इसमें आपका नंबर लगने का चांस या क्वालिफाई करने का चांस या आपके परसेंटेज बढ़ाने का चांस बढ़ता है, ठीक है। आप इतने भी गधे नहीं हो और इतने भी आप ये नहीं हो, क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि नहीं हो कि आपको अगर 20 में कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो या 30 में ले रहे हो तो भाई 30 के 30 रॉन्ग हो जाएंगे। जो 30 के 30 रॉन्ग करने वाले वो समझ लेने का ये टोले मारने वाले, सब टोले बोले तो अंधाधुन खेलने वाले लोग हैं। तो भाई हम ऐसे नहीं है, मुझे पता है, आई नो, अपने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, ठीक है। सो देखो यही टेक्निक होती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बेसिकली नॉरसेट रहे, DMER रहे, DHS रहे, कोई भी एग्जाम रहे, सो प्लीज़ ये टेक्निक अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस होगा, ठीक है। चलिए, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आपने गलती किया, ओके, ठीक है। इसके साथ में देखो ये नेक्स्ट जो नॉरसेट 5.0 होगी, इसमें इतना ज़्यादा टफ पेपर रहेगा ऐसा मैं कह नहीं सकता। थोड़ा बहुत थोड़ा रिलैक्स कर देंगे क्योंकि क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं कर पाए इस बार। तो बेसिकली अगर समझ लो इस बार 50 प्रायोरिटी बेस्ड MCQ पूछेंगे, तो नेक्स्ट टाइम मे बी यहाँ पे 35 पूछेंगे, 35 to 40 पूछेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पढ़ाई करना है, आपको PR यादव पढ़ लीजिए थ्योरी के लिए, उसके बाद टारगेट है PR की MCQ, टारगेट के MCQ, प्रीति के MCQ, ये होने के बाद आपको मोजबी के प्रायोरिटी नर्सिंग बेस्ड MCQ कर लीजिए। नॉरसेट करना है तो आपको ये 4 बुक या 3 बुक आप पढ़ लीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। साथ ही साथ कि ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, वहाँ पे आप क्लासेस कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस है, मेरे भी है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ भी है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के प्लेटफॉर्म अवेलेबल, वहाँ पे लगा सकते हो, मेरे पास लगा सकते हो, कहीं पे। सब में क्या होता है, मोजबी के MCQ देंगे, साउंडर्स के MCQ डालेंगे, देन जो प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि देखो नाइन आपको बोलता हूँ कोई भी पेपर रहे, 60% MCQ आपके प्रीवियस ईयर MCQ PYQ ही रहते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहते, सिर्फ ये घुमा फिरा के ना, घुमा फिरा के MCQ पूछते। ये साल भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, सिर्फ घुमा फिरा के MCQ पूछा था, आपका दिमाग घुमा दिया उन लोगों ने, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आपका मन एक जगह पे है, कंसंट्रेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। होप सो नॉरसेट 5.0 में आपको सक्सेस मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। पढ़ाई करिए, आपका 100% दीजिए, खुद के साथ प्रामाणिक रहिए, यानी खुद के साथ आप 100% ये रहिए, क्या बोलते, श्योर रहिए, यानी खुद को, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, नहीं मेरा हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये बोलोगे तो आपका नहीं होगा, ओके। दिस इज़ इट फॉर टूडे, जल्दी ही मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ। हाँ, और एक मैं बोलता हूँ कि सैटरडे को हम यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक लाइव सेशन लेंगे, डाउट सेशन, लाइव सेशन, आने वाली पूरी एग्जाम्स के बारे में। हमारे पास ऐसे भी बंदे हैं जिसका बहुत एक टाइम था कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एक टाइम आ रहा है, जिपमर हो गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम रहे, कोई सेंट्रल की एग्ज़ाम रहे, आपका नॉर्सेट रहे, सब में सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे बंदे से हम कुछ टिप्स लेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करेंगे सैटरडे को 5 बजे। मैं वैसे ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, अपने महाराष्ट्र के बहुत सारे ग्रुप हैं, 4 या 5 अपने ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब में मैं अपडेट कर दूंगा। हम सैटरडे को शाम को 5 बजे लाइव टेलीकास्ट लेंगे, एक लाइव सेशन लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, पूरी बातें वहाँ पे हम करेंगे, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।